Concept of democracy, the most versatile and prolific political sociologist of the past century, uh, Martin Lipset, he worked on uh, important issues uh, regarding and specifically uh, the class structure, the social mobility, the party system, and the uh, voters' behavior and public confidence in the institutions and the social origins of socialism, fascism, extremism and how and why the protest takes place in the society. So there is a long list of topics on which Lipset has shared his perspectives, his point of views it, through his writings. Because he was a deep believer in the importance of comparative research and he produced a variety of work uh, by comparing various countries and uh, specifically canada and us and explaining that why us never had a major socialist party or movement uh, although a very interesting question for the students of political sociology and he considered himself a student of democracy and it is revealing that he um, chooses his uh topic uh, in specifically uh, in during uh, his time when he was uh, the uh, candidate of the american sociological association and then he actually uh, focused on writing on the various dimensions of uh, democracy and the uh, debate on democracy so lipset's contributions द स्टडी ऑफ़ डेमोक्रेसी दैट दैट इज़ एक्चुअली रिमार्केबल एंड एवरी वन एक्चुअली प्रेज हिम फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन एंड स्पेसिफिकली हिज टाइट हिज आर्टिकल समल रेकोज ऑफ डेमोक्रेसी ये उसका एक जो आर्टिकल जिसमें जैसे ये कंसिडर किया जाता है दैट दैट वॉज द मोस्ट सार्टिड आर्टिकल और जिसकी बुनियाद पर फिर बहुत सारे लोगों ने आगे काम का आगाज किया और डेमोक्रेसी के वेरियस जो डायमेंशनस हैं उनको एक्सप्लोर करना शुरू किया डेमोक्रेसी की डिबेट को रिवाइव किया ये सारे का सारा क्रेडिट जो है वो लिपसेट को जाता है कि उन्होंने इसको बहुत ज़्यादा इम्पोटेंट टॉपिक के तौर पर जो है वो दोबारा से इसकी इम्पॉटेंस को उजागर जो है वो किया है ख़ास तौर पर लिपसेट ने जिस डायमेंशन पर फोकस किया दैट वाज़ द सोशल कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑर्डर क्योंकि इनसे पहले डेमोक्रेसी को एज फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी के फीचर्स उसकी खसूसियात पर बात की जाती थी लेकिन लिपसिट ने जिस डायमेंशन को मेनली हाई किया वो डायमेंशन क्या थी दैट द सोशल कंडीशंस ऑफ अ डेमोक्रेटिक पोलिटिकल ऑर्डर कि जब तक माशरे के अंदर एक खास तरह का इन्वामेंट नहीं होगा तो आप एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश नहीं कर सकते और इनके बहुत सारे आर्टिकल्स और उनकी किताबों के अंदर ख़ास तौर पर इसके बारे में इसकी वेरियस जो डायमेंशनस थी उनके ऊपर लिखा भी गया और ख़ास तौर पर जो सस्टेनिंग डेमोक्रेसी थी दैट हाउ डेमोक्रेसी कैन सस्टेंड इन सोसाइटी अगर वहाँ के लोगों के अंदर इकनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगी यानी अगर मौशी तरक्की नहीं होगी तो ये कैसे मुमकिन है कि ऐसे मुल्कों के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है वो सस्टेन कर जाए तो इसका मतलब है लिपसेट का ये परस्पेक्टिव था कि इकनॉमिक डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी हैज़ अ डीप लिंक अगरचि इस पर बहुत सा क्रिटिसिज्म हुआ बहुत सारे हलकों ने इस पर डिबेट भी की कि क्या जो गरीब लोग हैं वो डेमोक्रेटिक नहीं हो सकते या गरीब मुल्क इंतज़ार करें कि जब तक उनके यहाँ मौशी तरक्की नहीं होगी तो वो डेमोक्रेटिक सिस्टम को इस्टेबलिश नहीं कर सकते यानी बहुत सारी बहस बहुत सारे तराजात जो हैं वो इन पर किए गए लेकिन एक ऐसी बहस का आगाज़ लिपसेट ने इंट्रोड्यूस कराया जिसका मायने ये था कि सियासी निज़ामों को इस बात पर फोकस करना चाहिए कि वह अपने लोगों की मौशी तरक्की के लिए बाकायदा प्लान करें। अगर मौशी तरक्की मुमकिन होगी तो एक ऐसा सोशल इन्वायमेंट क्रिएट होगा ऐसी सोशल बेसिस जन्म लेंगी जिनके बाद फिर डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत से मज़बूत तर होती चली जाएगी वगैरह क्या होगा कि जो स्टेट है उसका जो रोल है वो लिमिटेड होता चला जाएगा और ख़ास तौर पर जो सिविल सोसाइटी है उस वो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस रेस करेगी बिकॉज़ पुअर कंट्रीज़ जो इकनॉमिकली रिच नहीं हैं वो मुल्क जो मौशी लिहाज से बेहतर सूरत हाल में नहीं हैं, डेफ़िनेटली uh, उनके यहाँ बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जिनमें स्टेबिलिटी uh, का क्वेश्चन भी आ जाता है क्योंकि uh, जो डेमोक्रेसी है उसके लिए सबसे बुनियादी शर्त क्या है डेमोक्रेसी की कंसोलिडेशन के लिए अकॉर्डिंग टू लिपसेट लजिटमेसी इज़ द मच नीडिड रिक्वायरमेंट और लजिटमेसी कब आएगी या कैसे आ सकती है अगर लोग सही तरीके से असूलों की पासदारी करें लोग अथॉरिटी को एक्सेप्ट करें और अथॉरिटी की एक्सेप्टेंस के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है कि खुद अथॉरिटी की तरफ से लोगों को के लिए ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट हो जहां वो इकनॉमिकली सोशली पॉलिटिकली एक स्टेबल लाइफ जो है वो गुजार सकें तो स्टेबिलिटी एंड डेमोक्रेसी का जो रिलेशनशिप है और किस तरीके से जो लजिटमेसी है वो डेमोक्रेसी के लिए एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स क्रिएट कर सकती है ये सब का सब लिपसेट का ख़ास खसूसी टॉपिक भी रहा और उसके अंदर जो खास टॉपिक जिस पर उन्होंने जिसके साथ रिलेट किया जिस एरिया के साथ दैट वाज द रोल ऑफ लीडरशिप कि अगर लीडरशिप का रोल पॉजिटिव होगा अगर लीडरशिप की डिज़ायर ये होगी कि मुल्क के अंदर लजिटमेसी के थ्रू सिस्टम को रन किया जाए और लिजिटमेसी कैसे आएगी वन दिसटम मे डिलीवर टू द मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ऑन द इक्वल बेसिस तो इसका मतलब है इक्वलिटी भी आ गई इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ भी आ गई और लोगों के लिए ऐसा इन्वामेंट क्रिएट हो गया वेयर दे कैन परफॉर्म नॉट ओनली देयर ड्यूटीज़ बट दे विल गेन इन रिटर्न सिर्फ ये नहीं है कि लोग अपना काम करेंगे बल्कि इन रिटर्न उनको उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे और जब वो बेनिफिट्स मिलेंगे तो फिर क्या होगा सिस्टम के अंदर एक मेचोरटी आएगी और यही लिपसेट की फिलॉसफी है कि जो डेमोक्रेसी है वो सिर्फ़ एक कॉन्सेप्ट नहीं है डेमोक्रेसी इज़ अ मेकनिज़म और मेकनिज़म की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं तो जब तक उन रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया जाएगा जब तक मेकनिज़म को फुली ऑपरेटिव नहीं बनाया जाएगा तो तब तक ना तो डेमोक्रेसी कहीं पर आ सकती है और ना ही कहीं पर डेमोक्रेटिक नॉर्म्स क्रिएट हो सकती हैं यही वजह है कि लिपसेट ने अपनी तहरीरों के अंदर इन अ वेरी एक्सप्लिसिट मैनर ही डिफाइंड डेमोक्रेसी ही डिफाइंड द रोल ऑफ़ डेमोक्रेसी एंड द क्राइटीरियाज विच आर मच नीडेड फॉर अ सस्टेनेबल एंड फॉर अ मेच्योर डेमोक्रेटिक सिस्टम तो हम ये कह सकते हैं कि लिपसेट से पहले भी बहुत सारे ऐसे पॉलिटिकल फिलासफर्स थे जिन्होंने डेमोक्रेसी के कॉन्सेप्ट को हाईलाइट किया उसके ऊपर डिबेट की डेमोक्रेसी की करेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट किया लेकिन लिपसट ने जिस तरीके से सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक फैसिलिटेशन, रोल ऑफ लीडरशिप एंड स्पेसिफिकली रोल ऑफ लिजिटेसी को डेमोक्रेटिक स्टेबिलिटी के साथ जैसे लिंक किया है ये डिबेट हमें इनसे पहले इस अंदाज़ में हमें मुख्तलिफ़ राइटर्स को देखने के बाद भी ये डिबेट हमें नहीं मिलती और ख़ास तौर पर जैसे कंपेरेटिव एनालिसिस के साथ यानी मुख्तलिफ़ मुल्कों की केस स्टडी के साथ उनकी एग्जांपल्स के साथ इन सारे हकायक को वाजे किया गया कॉन्सैपटल डिबेट को लिंक किया गया ये बहुत यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशन है जो हमें सिर्फ़ और सिर्फ लिपसट के यहाँ ही मिलता है और यही वजह है कि लिपसीट का नाम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर बहुत ज़्यादा अहम कंसिडर किया जाता है